बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो बनाई थी, एक्सिस बैंक की जो नई सहूलत थी, न्यू फीचर्स था एसएमएस बैंकिंग के हवाले से। आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, मैंने वो अपलोड की है, आपके सामने चल रही है। वीडियो देने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली वीडियो में हमने एसएमएस बैंकिंग का जो है रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका कार बताया था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्टिवेशन के बाद हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए चलो देखते हैं। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आपने एसएमएस में जाकर टाइप करना है 9475 और नीचे आपने लिखना है एसएमएस बैंकिंग। एसएमएस बैंकिंग लिखेंगे तो सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे। याद रहे कि जितने भी मैसेजेस आप सेंड करेंगे इनके चार्जेस होंगे। अगर आपका एसएमएस पैकेज लगा हुआ है तो फिर भी आपके चार्जेस लगेंगे। ये एक्सिस बैंक वालों की एक सहूलत है। अगर आपके पास नेट नहीं है या मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो आप एसएमएस के ज़रिए आप कुछ सहूलियात हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, 8 सहूलियात हैं। डियर कस्टमर प्लीज़ सिलेक्ट ट्रांजैक्शन यू वांट टू परफॉर्म। तो ये 8 दिए हैं हम, इसमें से मिनी स्टेटमेंट के हवाले से हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें ना ही कोई डेबिट कार्ड एक्टिवेट करना है, ना ही पिन चेंज करना है, ना ही ब्लॉक करना है डेबिट कार्ड, ना ही अनब्लॉक करना है। तो हम मिनी स्टेटमेंट जो कि छठा नंबर पे है, मिनी स्टेटमेंट इसके बारे में 6 लिखना है। 6 लिख कर आपने फिर सेंड कर देना है। जब ये आप सेंड कर लेंगे तो इसके जवाब में फिर मैसेज आएगा। ये मैसेज सेंड होने में देर लग रही है, शायद नेटवर्क का मसला होगा। ये जी एसएमएस सेंड हो चुका है। अब ये जब हम ट्रांजैक्शन कोई भी हम क्लिक करेंगे, 6 है 7 है जो भी है, तो इसका जो वन टाइम पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो इनकी हेल्पलाइन है, स्क्रीन वालों की हेल्पलाइन का मैसेज की जो हेल्पलाइन है 8870 पर आपको 4 अंकों का कोड आपको आएगा। तो वो आपने इसी के जवाब में लिखना होगा। यहाँ लिखा डियर कस्टमर प्लीज़ इंटर ओटीपी सेंड टू यू फ्राम 8870 ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये जो भी वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आया था वो मैंने सेंड कर दिया। अब ये देखिए जी, लास्ट ट्रांजेक्शन जो 3 थी हमारे सामने है। मैंने 1600 रुपये किसी को भेजे, 2725 रुपये मुझे किसी ने भेजे थे और 1392 रुपये कार्ड के जो है वो डिडक्शन हुए। जो सालाना फीस होती है वो डिडक्शन हुई है 1392 रुपये। यही आसान सा तरीका है। हर ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि आपने 9475 पर एसएमएस बैंकिंग लिखना है, फिर 8 आपके सामने ऑप्शंस होंगी, उनमें से हमने जो भी परफॉर्म करना है उसको उसका आपने नंबर लिखना है एसएमएस के अंदर, और फिर आपके नंबर पे ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड आप इसी मैसेज के अंदर आप लिखेंगे और सेंड करेंगे, तो जो भी आपने क्लिक किया होगा
जो भी आप चाहते हैं कि हमें ये मालूमात मिल जाएं वो आपके सामने आ जाएंगी, जिस तरह मैंने मिनी स्टेटमेंट मंगवाई है। इसके नीचे लिखा होता है टाइप 0 टू गो टू मेन्यू, तो मैंने 0 लिखा तो ये वापस वही 8 जो चीज़ें थी वो मेन मेन्यू जिसको कहते हैं वहाँ पे आ चुकी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को लाजमी शेयर करें। हमें इसका फ़ायदा हो या ना हो, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह।